करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने राजीवपुरम गली नंबर 2 से सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर वार्ड के पार्षद पति पप्पू लाठर व राजीवपुरम निवासियों द्वारा नारियल तोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि आज एक नंबर गली से राजीवपुरम की सभी गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। इससे पहले यहां सीवरेज की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी और अब जिन गलियों में ये कार्य पूरा हो चुका है वहां पर गलियों को पक्का करने की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि यहां पर सीवरेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी प्लांट की भी स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों के एस्टीमेट पहले ही लिए जा चुके थे, परंतु 2020 में जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी तो ये कार्य रुक गए थे, परंतु अब तेज गति से इन कार्यों को किया जाएगा। इस मौके पर समाज सेवी पप्पू लाठर ने बताया कि मेयर के प्रयास से उनके वार्ड में चहुमुखी विकास करवाया जा रहा है और जो अधूरे कार्य हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्य पहले ही पूरे हो जाने थे, परंतु कोरोना महामारी के चलते कार्य बीच में रुक गए थे, परंतु उन कार्यों को अब गति दी गई है। इस मौके पर उन्होंने राजीवपुरम निवासियों से आह्वान किया कि वह समय समय पर गलियों में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लेते रहे ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी व बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद रहे। जो गली के निर्माण कार्य क्या कहना चाहेंगे, कितनी लागत लगेगी? आज यहाँ राजीवपुरम में गली नंबर 1 से यहाँ की गलियों का कार्य शुभारंभ हुआ है। यहाँ के सीवरेज की पाइप हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले प्लान में इस कॉलोनी को अप्रूव किया गया था और इसके अप्रूवल के बाद इसमें सीवरेज की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन का बिछाव शुरू हुआ। अभी यहाँ पर एक एसटीपी बनाया जा रहा है जिसमें यहाँ पर सारे एरिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा और आज यहाँ पर विशेष तौर पे गलियों में, जिन गलियों में काम पूरा हो चुका है उनमें इंटरलॉकिंग का टाइल का काम शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शहर के हर कोने में हम व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ की पार्षद बहन मंजीत कौर जी और हमारे समाज सेवी भाई पप्पू लाठर जी, टकारिया जी, राजेंद्र जी, यहाँ पर सब मिलकर इस बात के लिए प्रयासरत है कि किसी भी बात की, किसी भी यहाँ के नागरिक को परेशानी ना हो और इस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा। मैं सभी भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि काम को आप चेक करते रहे, जहाँ कोई कमी मिलती है तो उसके काम के बारे में इत्तला जरूर करें हमें, ताकि उस कमी को दुरुस्त करवाया जा सके। किस नंबर गली तक बनाया जा रहा है ये राजीवपुरम की? हाँ, ये सारी गलियाँ बनेगी, 1, 2, 3, 4 राजीवपुरम टोटल एरिया, टोटल एरिया राजीवपुरम। लोगों में काफी गुस्सा जरूर है कि काफी लेट काम शुरू हुआ है। ये पिछले जब 2017 में ये सारे टेंडर लगे थे तो उसके बाद 2018 में यहाँ पर काम शुरू हो गया था, पर 2020 में जब कोरोना का दौर आया तो 1 साल लगभग ये काम सारे डिले हो गए। इसके लिए लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम चाहेंगे कि लोग इस व्यवधान को समझते हुए हमारा पूरी तरह से सहयोग करें। लोग एक पार्क की भी डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर पार्क भी एक होना चाहिए जिससे वातावरण भी स्वच्छ रहे। अभी यहाँ पर बैंक कॉलोनी में एक पार्क का निर्माण हुआ है और उसमें अच्छी व्यवस्था देने का भी हम प्रयास करेंगे। एक तो धन्यवाद करते हैं, हमारा तो जो भी मतलब हमने अपने वार्ड की शिकायत मेयर के आगे रखी है, मेयर ने सारी तुरंत अपनी तरफ से उसका निवारण करने की कोशिश करी और ये हमारा काम तो 6-7 महीने पहले चालू हो जाना था, लेकिन कोरोना के बीच में, कोरोना की वजह से फिर जो ठेकेदारों की पेमेंटों में थोड़ी सी ढिलाई आई, सारा काम ही उलट पुलट हो गया था। दोबारा टेंडर हुए हैं दूसरी बारी, फिर अभी इनको सीवरेज अभी भी चालू नहीं हुआ, अभी भी 5-6 महीने का टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कह भी जो चैम्बर हर करके आके छोड़ देंगे ताकि गलियाँ बन जाएँ। हमारी भी कोशिश है भाई जल्दी से जल्दी गलियाँ तैयार हो जाएँ ताकि लोगों की समस्या कम हो जाए और कोरोना की वजह से जो काम लेट हुआ है उसके लिए हम अपने वार्ड वासियों से क्षमा के पात्र हैं भाई, उसकी वजह से लेट हो गया क्योंकि इन लोगों को तो बेचारे को 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, थोड़ी सी भी 2 बूंद आ जाए तो यहाँ चल नहीं सकते, नरक का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जैसे कॉलोनी अप्रूव हुई है, सरकार ने करी है, अब ये टेंडर भी हो गए हैं, सीवरेज का बिछ गया है और ये पीने का पानी का भी जो थोड़ा रह बहुत रह रहा है वो भी अगले हफ्ते काम चालू हो जाएगा, तो अब तो काम ने स्पीड पकड़ ली है। और आपके कार्यकाल में और कार्य तेज गति से हो रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे वार्ड वासियों कुछ अपील? देखो वो तो मतलब सब गई है, सब ने मतलब सारे वार्ड ने एक तरफा ही वोट दी थी, मेरे को तो बड़ी उम्मीद यही थी भाई हमारा पीने का पानी, सीवरेज और गलियाँ बनवा दी, यही मेन डिमांड थी।
और ये अब आप प्रेस के शौक से, सबके वार्डवासियों के शौक से, मेयर की कृपा से काम अब चालू हो गया है और ये जल्दी मतलब कंप्लीट हो जाएगा 2-4 महीने में। कितनी लागत आएगी इस पर? कितना लागत तो इसकी, ये जो अलग अलग गली का अलग अलग एस्टिमेट है, 5 करोड़ के लगभग। हाँ सॉरी, टोटल टेंडर सब के हो रहे हैं, 5 करोड़ टोटल टेंडर सब के हो रहे हैं। और जो थोड़े बहुत रह रहे हैं मतलब फूसगढ़ के रह रहे हैं, जो अभी एस्टिमेट भी नहीं बने, तो हमारा तो पहला जोर यही है अभी पहले कॉलोनी का, मतलब कॉलोनी का काम हो जाए, गाँव का तो चलो बाद में भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। गलियों के बाद लाइटों का भी किया जाए, लाइटों का भी 25,000 लाइटों का करिए, अभी टेंडर हो गया, उसके बाद जहाँ लाइट टेंडर के आड़े के पास ही ठेकेदार के पास ठेका है, जहाँ बिजली का पोल नहीं है वहाँ बिजली का पोल लगेगा और उस पर हर खम्भे पर लाइट लगेगी। और हमारी तो ये जो खम्भों पर से लेकर जिंजाड़ी तक है, जो अभी अप्रूव्ड हुए हैं एरिया, इनमें यही ज़्यादा लाइटों की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में अपने स्टेट वगैरह में तो वहाँ पहले ही लाइटें लग रही हैं, तो 25,000 में तो ये हमने अपनी हाउस की मीटिंग में भी रखी थी मांग, भाई हमारे एरिया में ज़्यादा लगनी चाहिए, वो उन्होंने भी मानी है, भाई आप लोगों को ज़्यादा जरूरत है और आप लोगों को ही ज़्यादा मिलेंगी। धन्यवाद। मतलब ये है कि 2021 है ना, पहले तो 2020 का हमारा टारगेट था, लेकिन उस टाइम कोरोना का पता नहीं था, कोरोना की एक साल ख़राब कर गया। अब 31 दिसंबर तक हमारा टारगेट है, बस गलियाँ, सीवरेज और ये लाइटें, खंभे, सारा समस्याएँ दूर हो जाएंगी। और ट्यूबवेल भी हमारे मतलब अपना 7 ट्यूबवेल हमारे वार्ड में लग चुके हैं, 4 जिम भी पास हो चुके हैं, एक लग गया है, 3 और लगवा लेंगे जहाँ भी कहेंगे, तो मतलब काम ठीक चल रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।